हाय एवरीवन, दिस इज अंकित मिश्रा फ्रॉम बेस इंफ्रा सॉल्यूशंस। मैं पिछले 7-8 साल से रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ हूं। आई हैव डन जॉब इन सम गुड कंपनीज लाइक शालीमार रेंटल्स एंड आई हैव बीन आल्सो पार्ट ऑफ कॉर्पोरेट एमएनसी सच एज एशियन पेंट्स। माय फादर हैज बीन इनटू दिस इंडस्ट्री फॉर लास्ट 25 इयर्स। तो जो भी हम लोगों का छोटा मोटा एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पर स्वागत है आपका प्रॉपर्टी के चर्चा के दूसरे एपिसोड में, जहां पर हम कुछ सवाल लेकर आए हैं जो आप कमेंट सेक्शन में हमेशा लिखते रहते थे और उनके अपने हिसाब से जवाब देने की कोशिश करेंगे। ये दूसरा एपिसोड है प्रॉपर्टी पे चर्चा का, कुछ टाइम तक डिस्कंटिन्यू कर दिया था। आप लोगों से गुजारिश है कि आपके जो भी सवाल हो वो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ऊपर दिया हुआ नंबर है प्लस हमारा व्हाट्सएप का लिंक भी नीचे दिया हुआ है, आप उन चीजों को यूज करते हुए हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। हमारी एक सेल्स टीम भी है जो आपको प्रॉपर्टी बाइंग के एक्सपीरियंस को हेल्प करती है, जैसा कि हम कहते हैं बेस बिल्डिंग असेट्स एंड सिंप्लीफाइंग एक्सपीरियंसेस। तो उठाते हैं अपना पहला सवाल। पहला सवाल है मिस्टर ओम मिश्रा जी का, जो पूछ रहे हैं सारे एलडीए रेरा प्रोजेक्ट्स महंगे ही होते हैं, कुछ सस्ते ब्रॉड बताइए अप्रोक्स 20-25 लाख। ओम मिश्रा जी, थैंक यू वेरी मच फॉर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल। आपका जो सवाल है उसका जवाब मैं देना चाहूंगा। एक्चुअल में आज की डेट में जो लैंड एक्विजिशन की कॉस्ट है लखनऊ में, प्लस अप्रूवल्स की जो कॉस्ट है, प्लस अगर आप कोई भी अप्रूवल लेने जाते हैं, जनरली 50-60% एरिया जो होता है वो आप डेवलप करते हैं, रेस्ट एरिया हैज टू बी ओपनड इन सर्विसेज पार्क्स एंड अदर थिंग्स, तो उसकी वजह से कॉस्ट का थोड़ा सा इंफ्लेशन रहता है, क्योंकि हम शहर के बहुत पास देखना चाहते हैं अपनी प्रॉपर्टी को, प्लस अप्रूव भी होनी चाहिए, प्लस बजट भी थोड़ा सा लोअर साइड पे अगर आप देखेंगे तो वो शायद आपको थोड़ा मुश्किल होगा ढूंढने के लिए। बट अगर आप थोड़ा सा लखनऊ के आउटर में जाते हैं, जैसे कि आप किसान पद का एरिया टच करते हैं, तो वहां पर एक प्रोजेक्ट, अगर सुल्तानपुर रोड की मैं बात करूं तो 2-3 प्रोजेक्ट हैं, सफायर है, कैलाश है, बट जो कि डिमांड सप्लाई का इश्यू है तो वो भी 3500 के रेंज में है। बट एक नया प्रोजेक्ट सिसिंडी रोड पर आ रहा है और बहुत ही बड़े डेवलपर का एक बड़ा ब्रांड नेम के द्वारा है, वो करीबन 150 साल पुरानी कंपनी है, 2 मेजर एक्सप्रेसवे के बीच में है, 4 रेसिडेंशियल कॉलोनी उसके आसपास है, एल्डिको इंपीरिया, अलकनंदा सेन सिटी एंड एल्डिको शौर्य, इन चारों के बीचों बीच ये प्रोजेक्ट आ रहा है और 10 गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट हैं, तो चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो चाहे वो रेसिडेंशियल, वो प्रोजेक्ट आपको बिल्कुल सूट करेगा। उसका बजट रेंज भी 2000 से 2500 रुपए के बीच में कहीं होना चाहिए, तो उसकी जो कॉस्टिंग आपको पड़ेगी वो मुझे लगता है आपके बजट में फिट हो जाएगी। कुछ प्रोजेक्ट्स देवा रोड में भी सुनने में आ रहे हैं और कुछ सीतापुर रोड पे भी सुनने में आ रहे हैं, और वो सारे ही हो सकता है अफोर्डेबल रेंज में 2500-3000 रुपए के ब्रैकेट में हो। तो बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की तरफ, जो पूछा है मिस्टर आलोक गुप्ता जी ने। सर, सही पथ और पर प्लॉट और विलास की रेंज क्या है? थैंक यू आलोक गुप्ता जी हमारा चैनल देखने के लिए और अपना प्रश्न पूछने के लिए। सर, एक्चुअल में शहीद पथ पर अगर आप बिल्ड शुरू करते हैं गोमती नगर एक्सटेंशन से, पहली टाउनशिप आती है आपकी गोमती नगर, शालीमार वन वर्ड में आपके सारे अपार्टमेंट के ऑप्शन है सर, वी स्टार, बेलवेडर कोर्ट 1, बेलवेडर कोर्ट 2, बेलवेडर कोर्ट 3, विलास के उसमें कुछ ऑप्शन आए थे वेलेंसिया काउंटी के नाम से, जिसमें करीबन 2.5 करोड़ से ऊपर की रेंज थी। आप जब गोमती नदी पार करते हैं तो आपके राइट हैंड साइड पे ओमैक्स सिटी पड़ती है और एमआर पड़ता है सर। एमआर बहुत पुराना प्रोजेक्ट था, कुछ सेक्शन उनके जो बहुत टाइम से रुके हुए थे वो अभी कुछ ओपन किए गए थे, वहां पर भी जो आपको प्राइस बैंड मिलता है वो 5000 के आसपास का मिलता है और बड़े प्लॉट मिलेंगे आपको वहां पर, तो प्राइस अप्रोक्स प्लॉट की रेंज वहां पर 1 करोड़ रुपए है। अगर आप बात करते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, तो अभी एकाना के जस्ट पीछे अमरावती लॉन्च हुआ है, अमरावती में 4500 रुपए के आसपास का रेट में अगर आपको फ्रेश में यूनिट देखनी है, तो कुछ बड़ी यूनिट बची हुई है 4000-5000 स्क्वायर फीट की, मतलब 1 से 1.5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा। छोटी यूनिट भी रीसेल में मिल जाएंगी आपको, 1260 वाली 1-2 यूनिट है, कुछ यूनिट सर 2100-2000 स्क्वायर फीट की है, तो जो अमरावती के प्लॉट्स हैं उसमें आपको रीसेल में मेरे को लगता है 4000 रुपए के आसपास का रेट मिल जाना चाहिए। ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल रही है आपको स्टेडियम के जस्ट बैक साइड पे प्लॉट खरीदने की, क्योंकि उस पूरे बेल्ट में कहीं प्लॉट के प्रोजेक्ट है ही नहीं सर इसको छोड़ने के बाद, और इसके बैक साइड पे पिंटेल मिल जाएगा आपको। फिर आगे आप जाते हैं तो आंसर के कुछ रीसेल ऑप्शन देख सकते हैं, और अगर आप जाते हैं आगे शहीद पथ पर तो वृंदावन में रीसेल के प्लॉट के ऑप्शन आप देखे जा सकते हैं। बट इन सारे प्लॉट की जो रेंज होगी सर वो कहीं ना कहीं बड़े प्लॉट की रेंज है, इसमें 1 करोड़ रुपए के आसपास की है। छोटे प्लॉट मिनिमम सर
50-60 लाख रुपए की रेंज में शहीद पद पे मिलेंगे। अगर आप शहीद पद से हटना चाहते हैं तो ओरो काउंटी जानकीपुरम देख सकते हैं, जहां पर 50-60 लाख रुपए में आपको प्लॉट भी मिल जाएगा और 75-80 लाख रुपए की रेंज में आपको विला भी मिल जाएगा। बट ये प्रोजेक्ट एक नया प्रोजेक्ट है तो अभी 2 से 3 साल पोजेशन में आपको लगेगा। ज्यादा समय ना लेते हुए आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन पर, मिस्टर दिनेश जी का, जिन्होंने पूछा है सर एल्डिको इंपीरिया में शॉप्स की अवेलेबिलिटी क्या है। तो सर अभी एल्डिको इंपीरिया में सिर्फ विला लॉन्च हुए थे, कुछ एक्सपेक्टेशन लोग बता रहे थे कि प्लॉट भी आएंगे, बट अभी ऐसी कोई न्यूज कंपनी से नहीं है। अभी सिर्फ विलास थे, टोटल 12-15 विलास बचे हुए हैं। कुछ रियल एस्टेट गुरुज ने ये भी ज्ञान दिया था कि इसमें मत इन्वेस्ट करिएगा, कोई अप्रिसिएशन नहीं आएगा, 5 साल लगेगा, 10 साल लगेगा, बिल्कुल बकवास है सर ये। विद इन 6 महीने के अंदर इस प्रोजेक्ट में जो इन्वेस्टेड अमाउंट था उसका अच्छा खासा रिटर्न ऑलरेडी क्लॉक कर लिया इन्वेस्टर्स ने, और 47.5 की लॉन्चिंग से 55.8 पे ऑलरेडी सबसे छोटा वाला यूनिट फ्लोट कर रहा है। 8 लाख रुपए का अप्रिसिएशन 6 महीने में है, और एल्डिको का प्रोजेक्ट शायद कुछ और समझने और एनालिसिस करने की जरूरत है सर। बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, अच्छा इन्वेस्टमेंट हमने अपने इन्वेस्टर्स को दिया है, और वही पे एक और टाउनशिप आ रही है जो मैंने पहले ही बताया है, अगर आपको रिटर्न बनाना है तो आप इस प्रोजेक्ट में जरूर देखिए। तो सर एल्डिको इंपीरिया में फिलहाल शॉप्स की अवेलेबिलिटी नहीं है, हाँ वहां पर जरूर कमर्शियल प्लांट है, क्योंकि आसपास कमर्शियल नहीं है, तो मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि अगले 1 से 2 साल के अंदर ही एल्डिको वहां पर कमर्शियल भी लॉन्च कर देगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन लेते हैं हम मिस्टर मोहित यादव जी का, जो कहते हैं सर प्लीज सजेस्ट सम अप्रूव प्रोजेक्ट ऑन सीतापुर रोड साइड। तो सर सीतापुर रोड साइड पे जो अप्रूव प्रोजेक्ट, मतलब एलडीए रेरा बैंक अप्रूव और ब्रांडेड बिल्डर है जो हम हमेशा अपने कस्टमर्स को बोलते हैं, उसमें आता है सबसे पहला प्रोजेक्ट आ जाता है आपका। अगर आप सीतापुर रोड साइड पे जाते हो तो शायद कुर्सी रोड एल्डिको काउंटी भी पसंद, सॉरी ओरो काउंटी भी पसंद कर सकते हैं, वरना सर उस रोड पर 3 प्रोजेक्ट है, एल्डिको रिगालिया, एल्डिको सिटी, शालीमार गार्डन पे, और सहारा का जो प्रोजेक्ट है वो काफी पुराना प्रोजेक्ट है। इन तीनों में कोई भी इन्वेंटरी प्लॉट एंड विलास की नहीं है सर, मेजॉरिटी आपको हाँ रीसेल में मिल जाएगी, जहां पर 1 BHK विला की कॉस्ट जो 42 लाख रुपए में लॉन्च हुआ था 3 साल पहले, उसकी आज की डेट में रीसेल वैल्यू करीबन 65 लाख रुपए है। तो अगर आप 65 लाख रुपए में वहां देखना चाहते हैं तो वो एक ऑप्शन आपके पास बचता है। प्लॉट के ऑप्शन 4,000-4,500 रुपए की रेट में आपको गार्डन पे और एल्डिको रिगालिया दोनों में मिल जाने चाहिए। अगर आपका क्वेश्चन अपार्टमेंट से रिलेटेड था, क्योंकि ये सर आपने प्रोजेक्ट यहाँ लिखा हुआ है, ये नहीं स्पेसिफाई किया है कि आप प्लॉट देख रहे थे या विला देख रहे थे या अपार्टमेंट देख रहे थे, तो अपार्टमेंट में सर आपके पास ड्रीम्स का भी ऑप्शन है, ट्विन टावर्स का भी ऑप्शन है जो अभी नया लॉन्च हुआ है, एल्डिको का प्रोजेक्ट शालीमार गार्डन में रिसेल की यूनिट्स आप देख सकते हैं, और अगर आप और कुछ पुराने रेडी टू मूव प्रोजेक्ट देखना चाहते हैं तो इटर्निया वगैरह भी आप उसमें देख सकते हैं। कमर्शियल की अगर आप बात कर रहे थे सर, कमर्शियल एल्डिको रिगालिया में कुछ आपको शॉप मिल सकती है, सिटी के अंदर भी मिल सकती है, तो वो भी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट आपके लिए हो सकता है सर। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ कि कैलाशा इंक्लेव के बारे में क्या ओपिनियन है, और ये क्वेश्चन है मिस्टर हर्ष जी का। तो हर्ष जी, कैलाशा इंक्लेव जहां तक मेरे को लगता है कॉलोनी अच्छी है, लोकेशन बहुत अच्छी है उसकी, नो डाउट, बट पहला प्रोजेक्ट है तो अभी डेवलपमेंट के बारे में अगर आप मेरे से पूछ रहे हैं कि कैसा होगा, तो मेरे को लगता है थोड़ा सा उसमें हमें वेट एंड वॉच वाली ही सिचुएशन है कि इनका पहला प्रोजेक्ट है तो देखना पड़ेगा कि ये कैसा वहां पर रिस्पॉन्स देते हैं। कुछ चीजें इनिशियल और लॉन्च के टाइम तक बदल गई, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज नहीं गया मार्केट में, और वो नहीं होना चाहिए था कुछ बायर्स के साथ जो स्टार्टिंग में हुआ था। तो इसलिए अभी अगर कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड आपका सवाल है तो वेट एंड वॉच करना पड़ेगा सर। अगर आपका प्रोजेक्ट की लोकेशन के बारे में, तो फैंटास्टिक लोकेशन है, लोकेशन में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि रेरा अप्रूव्ड है सर, तो आप इसमें जा सकते हैं अगर बाइंग में देख रहे हैं। रेट 3500 रुपए के हिसाब से है और साइजेस 1200 स्क्वायर फीट से शुरू होते हैं। इसके बाद आ जाते हैं अगले सवाल पर मिस्टर साजिद जी से, जिन्होंने पूछा है कि व्हाट इज द स्टार्टिंग प्राइस ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एल्डिको इंपीरिया। सर आपने अगर पहले हमारे वीडियो पे कांटेक्ट किया होता और पहले थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जनरेट हुआ होता और आपने तब किया होता, तब आपको पड़ता 47,50,000 रुपए का। फिलहाल ये 55 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वहां पर, जिसमें आपको 1050 स्क्वायर फीट वाले 1 BHK के विलास शुरू होते हैं। अब शायद मेरे को लगता है कि थोड़ा सा आपको होल्ड करना चाहिए एल्डिको इंपीरिया में इन्वेस्ट
इन्वेस्टिंग पर्पज से बहुत ल्यूक्रेटिव नहीं रह गया अब, क्योंकि अब यहां से जो एप्रिसिएशन आप देख रहे हैं सर, वो आप ये मान के चलिएगा कि कम से कम साल भर लगेगा इसको अप्रिशिएट करने में. द परसेंटेज ऑफ रिटर्न दैट यू गॉट ऑन द इनिशियल वर्सेस नाउ विल बी कंप्लीटली डिफरेंट. तो अभी इन्वेस्टमेंट के वाइज से थोड़ा सा होल्ड करिए. आई विल सजेस्ट कि जो दूसरा नया प्रोजेक्ट आ रहा है आप उसमें देख सकते हैं, और 110% वो बहुत अच्छा रिटर्न देके जाएगा अगर रहने के हिसाब से, क्योंकि आपका क्वेश्चन सीधा सीधा यही है व्हाट इज द स्टार्टिंग प्राइस ऑफ इन्वेस्टमेंट. तो आई एम अज्यूमिंग कि आपको रहना नहीं है, प्योर इन्वेस्टमेंट है. अगर रहना है सर तो, और आप कानपुर रायबरेली वाली बजट में कंफर्टेबल है तो वो आप बिल्कुल देख सकते हैं सर. इसके बाद आ जाते हैं मिनिमम हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू रीच एल्डिको इंपीरिया फ्रॉम रायबरेली. सर एल्डिको इंपीरिया से रायबरेली मैं एक मिनट, बहुत थोड़ा सा अनयूजुअल क्वेश्चन है, मैं तुरंत सर्च कर लेता हूं और आपको अपडेट कर देता हूं. तो एल्डिको इंपीरिया टू रायबरेली की डिस्टेंस आप मोटा मोटा ये समझिएगा सर, कल्ली बच्चन से निकलने के बाद करीबन एक घंटे की डिस्टेंस आपको वहां सर पड़ेगी. इसके बाद आते हैं सर आपके अगले सवाल पर, जो कि है मिस्टर आलोक कुमार तिवारी जी से कि सर पिंटल सिटी में प्लॉट्स के पर स्क्वायर फीट मेंटेनेंस चार्जेस क्या है. सर मेंटेनेंस को लेकर अभी कोई क्लैरिटी नहीं है. मार्च अप्रैल फर्स्ट वीक से इनका जो मेरी लास्ट बात हुई थी कंपनी में, तो अप्रैल के फर्स्ट वीक या अप्रैल के मिड वगैरह से ये प्लान कर रहे हैं पोजीशन देने का. फिर उस समय ये कौन सी एजेंसी रोप इन करेंगे उसके हिसाब से एक बार इसमें मेंटेनेंस का निकलना चाहिए. बट अमूमन सर 2-3 रुपए स्क्वायर फीट होती है, तो मुझे नहीं लगता कि सर इससे ज्यादा और वहां पर होनी चाहिए. इसके बाद एक सवाल पूछा है मिस्टर ईशु त्यागी जी ने, तो इनका सवाल है कि सर बीसीसी या गोयल फैजाबाद रोड पर देख रहा हूं अफोर्डेबल कैटेगरी में तो कैसा रहेगा. ऑनेस्टली स्पीकिंग सर मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, आप बीसीसी और इनके गोयल के अपार्टमेंट जब आप क्रॉस करेंगे ना तो आप खुद देख लेंगे वो पपड़ी उजड़ते हुए और सीलन की जो बुरी कंडीशन हुई है उसके रहते हुए सर, क्योंकि मेरे को वो पर्सनल चीज नहीं पसंद आती है किसी प्रोजेक्ट में आप लोग किसी का इतना पैसा लगने के बाद अगर इस तरीके का क्वालिटी डिलीवर किया जाता है. तो वो प्रोजेक्ट देखने के बाद तो मेरा यही फीडबैक है सर कि आप प्रेफर कर लें या तो जो है बीवीडी वगैरह, या आप देख लें सर इधर से सुल्तानपुर रोड साइड पे कुछ अच्छे ऑप्शन मिल जाएंगे आपको अफोर्डेबल कैटेगरी में. बट बीसीसी या सुल्तानपुर से ज्यादा अच्छा आपको बीवीडी लोटस रोड मिल जाएगा. पॉइंट नंबर वन. पॉइंट नंबर टू, उसमें पक्का आप ये मान के चलिएगा कि पोजीशन डिलेड होगा क्योंकि हिस्ट्री वैसी रही है. हालांकि इधर काम जब से एक सेकेंड फेज शुरू हुआ है बीवीडी विराज में, विराज कंस्ट्रक्शन में, तब से अच्छा कंस्ट्रक्शन की स्पीड पकड़ी है. बट स्टिल डिलीवरी में सर थोड़ा सा टाइम अगर आपके पास है तो आप बीवीडी का एक ऑप्शन देख सकते हैं. उनकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी भी बेटर है कम से कम, और लोकेशन भी अच्छी है और प्राइस पॉइंट भी सेम है सर. तो थैंक यू वेरी मच हमारी ऑडियंस, मैं आपका जितना थैंक यू बोलूं उतना कम है. आप लोग कॉन्टिन्यूस प्यार सपोर्ट बनाए रखते हैं. आप इस वीडियो को प्लीज हर उस आदमी तक शेयर करिएगा जिसकी इसको जरूरत है. अगर नहीं करना है तो भी कोई बात नहीं. थैंक यू वेरी मच. वी विल बी ऑलवेज ग्रेटफुल टू यू. आप इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो. मैं और हमारी पूरी टीम इस पूरी मेहनत के साथ लगी रहेगी कि हम रियल एस्टेट में बाइंग और सेलिंग और उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन के जितने भी एक्सपीरियंसेस हैं उनको जितना बेटर कर सकते हैं हम करेंगे सर. और उसमें अगर आपका कोई रिकमेंडेशन है तो वो भी बिल्कुल दीजिएगा. दिस इज अंकित मिश्रा साइनिंग ऑफ बेस इंफ्रा सॉल्यूशंस प्रॉपर्टी सही दिलाएंगे.